जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है एक बहुत ही एक अहम टॉपिक पर है, वो है जी हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, हमारा ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो चल रहा अभी ऑन है, तो आपको लग रहा होगा कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है ये चल रहा है जी हमारे सिस्टम पर, लैपटॉप पर चल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लैपटॉप पर नहीं जा रहा है बल्कि ये क्लाउड पर जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं मैं सब कुछ जो भी कर पा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा अभी, आप यकीन नहीं हो रहा होगा मे भी आपको कि ये कहाँ पर जा रहा है। आप मैं को चेक करवा देता हूँ, देखें ये है जी हमारा क्लाउड बेस पे, ठीक है, और ये हमारा सिस्टम डेस्कटॉप है हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको क्लाउड से कनेक्ट किया, अभी भी क्लाउड पर है। ठीक है, अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ, देखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर मीन्स के वैसे ही काम कर पा रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर आप वीडियो में देखते हैं, आपको डेमो वीडियो है, जो हमारे पहले कस्टमर हैं वो देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर क्लाउड पे जा रहा है। अब इसी सॉफ्टवेयर को देखें, अब हम देख लें, मैं अब यहाँ पर एक कस्टमर जो है ना, अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा ना, ये देखें ये मेरे पास कस्टमर ओपन होगा, मैं कस्टमर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी हसन, ठीक है हसन रजा, मैंने कस्टमर एंटर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर, देखिए आप स्पीड ही देखें, स्पीड कोई इशू नहीं है। ठीक है, बंद किया, ये देखें कस्टमर आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा कहने का मकसद ये, देखें आप ये क्लाउड पर है, फर्ज कर लें आपका यहाँ पे नेट जो है ना वो बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको जो है क्लोज़ कर देते हैं, तो क्लोज़ करेंगे तो तब भी आपका जो है ना ये स्क्रीन वैसी की वैसी रहेगी, मतलब कि ये सिस्टम ऐसा है कि आपका जो डाटा लॉस का जो खतरा नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन ये आपका स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, आपका अगर फर्ज करें यहाँ पर एंट्री वगैरह आप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि है इसके मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरा बिल बन रहा है और जो लाइट है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम यहाँ का यह रहेगा ऐसे कैसे वैसे रहेगा जब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करूँगा। तो अभी मैं आपको इसका जो लाइव डेमो अभी एक और देता हूँ। ठीक है, सिस्टम मेरे पास आपको लैपटॉप मौजूद है, इस पर देता हूँ आपको। ठीक है, आपको ये समझ लगी, ये देखें सॉफ्टवेयर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब देखें आपको लोगों का सवाल होता है कि हम अगर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सफर पे क्या काम हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे कस्टमर आपके सामने देखिए ऐड किया, मैंने कस्टमर हसन रजा ऐड किया ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे सिस्टम से करेंगे कनेक्ट, इस सिस्टम पे कनेक्ट होंगे और दूसरे यूज़र से हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो है ना क्या सूरत हाल है, और आपको चेक करवाऊंगा अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो देखें हमारा डाटा हमारा कहाँ कैसा होता है, हमारा स्क्रीन वैसे की होती है या हमें दोबारा कुछ एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप जैसे दूसरे सिस्टम दूसरे पर आ जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हमारे पास, अच्छा इसको किस तरह कनेक्ट करना होता है आपका ये भी सवाल होगा। देखें अब हमारे हर सिस्टम के अंदर ना एक होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन RDB। ठीक है, इसको हम RDP कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये है रिमोट डेस्क, आप RDP लिखेंगे ना यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये मांगता है आपसे एक IP address। ठीक है, अच्छी IP address होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो ये IP address हम ना परचेज करते हैं खुद और आपको फ्राम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यूज़र नेम होता है, उसके बाद साथ अच्छे इसका पासवर्ड देना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक यूज़र नेम होता है और साथ हमने पासवर्ड वगैरह इसको प्रोवाइड करना होता है। देखिए यूज़र नेम अच्छे सॉफ्टवेयर हमने दिया है, पासवर्ड हमें देंगे इसको। ठीक है, और जब ओके करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा हमारे क्लाउड से, सर्वर से। ठीक है, और अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कनेक्ट, मैंने यूज़र नेम अच्छे सॉफ्ट दिया हुआ है और पासवर्ड भी हमने साथ इसका दिया हुआ है, सेव हुआ है। अब देखिए ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा लाइव सर्वर के साथ, मतलब कि अगर मेरा 1 GB रैम भी है ना सिस्टम की, ये इस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ऑफर ऑन हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ यूज़र नेम एंटर करना है, एडमिन और पासवर्ड मैं एंटर पास कर दूंगा। ये देख रहे हैं मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पर भी ये चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है। हमने दूसरे यूज़र से लॉगिन किया, देखिए मैं कस्टमर में जाके चेक कर लेते हैं हम कि जो है ना वाकई ही हमारा जो तो कस्टमर इसमें जो है ना एंटर हुए या नहीं हुए। देखिए ये देख रहे हैं आप हसन रजा, ये कस्टमर है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर हम एक कस्टमर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम शफीक फर्ज करें, मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं ज़रा कि यहाँ पे हमें जो है ना शफीक शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सॉरी सप्लायर, मैंने कस्टमर्स पर क्लिक कर दिया। ये देख रहे हैं ये आपके पास शफीक है, ये देख नीचे शो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है आप का सॉफ्टवेयर एक ही है। ठीक है, डाटा एक ही होगा। अब आप किसी भी जगह से, ये देखें सिस्टम पे डिपेंड नहीं है आप, ये देखें मैंने जिस सिस्टम पे डिपेंड नहीं है ये चीज़। ठीक है, अब आप कहना अगर ये सिस्टम में, अब कोई भी किसी सिस्टम है, आपने किसी भी सिस्टम पे ना या हर सिस्टम पे RDP होता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है,
आपने इसको ओपन करना है, हमने आपको हर बार यूज़र को अपना उसका आईपी एड्रेस यूज़र ने पासवर्ड देते हैं, आपने वहाँ पे कनेक्ट करना है, आपका सिस्टम लाइव कनेक्ट हो जाएगा, ये मोबाइल पे भी चल सकता है आपका। आपके प्ले स्टोर पे अगर आरडी क्लाइंट के नाम से एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो डाउनलोड करेंगे, उस पर भी आप बताएंगे अपना आईपी एड्रेस यूज़र ने पासवर्ड, ये सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल पर भी चल जाएगा। ठीक है जी, इससे आपको मोबाइल पर जो अच्छा अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फ़र्ज़ करें हम इसको क्या करते हैं सेल वगैरह फ़र्ज़ करें हम कर रहे हैं, या आप ये देख लें कि कस्टमर चूज़ कर लेते हैं, देखिए स्पीड वगैरह का इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, आपकी कम से कम जो है ना 1 MB स्पीड या 2 MB स्पीड भी होगी ना अपने नेट की, तो ये ओके चलेगा आपका। आप देख रहे हैं आपके सामने, आपको जो लग रही सी रहेगा आप सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, बट ये क्लाउड है। ठीक है, वो काफ़ी हैवी सर्वर हमने परचेज़ किए होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं हमारे लिए, बट आपको रीजनेबल रेट देंगे इसका इंशाल्लाह ताला। ये देखें फ़र्ज़ करें मैं बिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मेरे पास जो है ना नेट इसका बंद हो गया, मैं नेट खुद बंद करता हूँ, नेट अक्सर होता है कि हमारा नेट का मसला बन जाता है, नेट बंद हो गया या फ़र्ज़ करें लाइट बंद हो गई या एप्लीकेशन, ये मैंने एयरप्लेन मोड कर दिया। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, अब देखें अब क्या होगा हमारा जो ये देखें कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ठीक है, लॉस्ट हो गया जी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब मैं क्या मैं सोचूंगा यार मेरा जो डाटा मैं सेल कर रहा था मैं कहाँ गया, अब देखें फ़र्ज़ करें मैंने अब नेट मेरा कनेक्ट हो जाता है दोबारा, मैं तो खुद कर रहा हूँ इससे कनेक्ट कर लिया, या सिस्टम शट डाउन हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा। अब देखें ये कंप्यूटर होता है लाइव, ये कभी बंद नहीं होता। ठीक है, ये सिस्टम जो है ना ये कभी भी सिस्टम बंद नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑन ही रहता है हमेशा, ये क्लाउड पे सिस्टम होता है, क्लाउड पे होता है। देखिए मैंने किया कनेक्ट किया, मैं चेक करता हूँ ये क्या होता है मेरे साथ, मैंने ये कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ये देखिए मेरा ये कनेक्ट हो गया, और ये देखें जहाँ पर मैं था वहाँ पर ही। ठीक है, अब मेरा डाटा जहाँ पर डाटा था मेरा वैसे के वैसे ही सिस्टम ऑन हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और इसको देखें मैं सेव सेल करके भी दिखा देता हूँ आपको, सेव पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, सेव सेल, यस, प्रिंट रिसिप्ट वो कर दिया, ओके कर दिया, मेरी सेल हो चुकी है। ठीक है, सेल स्ट्रीम अगर हम जाते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी इनवॉइस को हम व्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखें वही ऑप्शन है सारे, देखें अब मैंने ये देखें इनवॉइस व्यू कर रही है, A4 जो भी आपने सेट किया होगा ना रसीद वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं दोनों जगह चल रहा है, मैंने ये देखें सेल जो सेल की है ना, ये देखें यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, मैंने जो सेल की है वो यहाँ पर सबसे इनवॉइस नंबर 3 है। ठीक है, असन रजा, हम चेक करते हैं सिस्टम पर आके चेक करते हैं कि हमारे जो इनवॉइस है वो शो हो रही है। देखें ये असन रजा, ठीक है, असन रजा व्यू किया, मुझे ये दिखा देगा जनाब ये इसकी रसीद है। आप ओनर हैं, अगर आपकी कोड होता है कि आप किसी भी जगह आप चेक करना चाहें कि मेरे सिस्टम पर क्या हो रहा है, क्या मेरी सेल हो रही है, कुछ को कहने किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेटली देखिए, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे काम अलग हो रहा है, किसी भी काम किसी का काम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे काम सिस्टम वही है, बट यहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम अलग होगा, इसका जो क्लाउड आईपी एड्रेस यूज़र नेम अलग होगा। ठीक है, ताकि आपस में ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम इस तरह नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट, अगर मेरे पास जितने भी सिस्टम है चाहूँ मैं हम कर सकते हैं कनेक्ट उसका लाइसेंस लेकर। ठीक है, वो इसी सिस्टम को हम मोबाइल पे भी जो है ना चला सकते हैं, आप अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास उसके भी उसके ऊपर भी आप इसको रन कर सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन का भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है जी, ये आप कुछ ये चेक करवा दिया, अब आप इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। देखें इसी सिस्टम को हम मोबाइल से करेंगे कनेक्ट, इसको हम यहाँ पर हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखें ये आपका सिस्टम यहाँ से बंद हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ से ऑफ हो गया। ठीक है, ये एक कंप्यूटर चल रहा होता है क्लाउड पे सिस्टम, ये जिससे हमारा सिस्टम है। देखें आपको कोई फिक्र जरूरत नहीं है कि आपकी रैम कितनी है, कितनी स्पेक्स हैं, डाटा विंडो उड़ जाती है, कुछ भी कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड पे है सारा कुछ। अब आपको मोबाइल पे भी चेक करवा देते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वीडियो भी आपको चेक करवा देते हैं, उसके स्क्रीन रिकॉर्ड कर इसे अटैच कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन है आरडी क्लाइंट के नाम से। ठीक है, या आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, देखिए आरडी क्लाइंट। ठीक है, या आपको प्ले स्टोर से या आपके iOS स्टोर से, अगर आपका एप्पल का मोबाइल है तो वहाँ पर iOS स्टोर पे आपको यह एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं चाह करता हूँ प्ले स्टोर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे जी आरडी क्लाइंट, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, वेरीफाइड है। ठीक है, अच्छा जी, ये एप्लीकेशन आरडी क्लाइंट है, ये आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप जैसे ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर देखें
यहाँ पर हमारे जो सिस्टम सेव हुए हैं, अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं इसको। जो हम ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं ना, उसको सेव कर रहे थे कि हर बार हमें ना एड्रेस वगैरह एंटर ना करना पड़े, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना इसका एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं, जो भी देखिए हम आपको ये आईपी वगैरह देंगे तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एंटर करके दिखा देता हूँ, देखें प्लस पे क्लिक कर देंगे आप, ऐड पीसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐड मैनुअली पे क्लिक कर देंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर होस्ट नेम आईपी एड्रेस आप दे देंगे जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं और ये सिक्योर आईपी होगी 0173219, ठीक है। यूज़र अकाउंट जो है हम यहाँ पर दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे फ्रेंडली नेम, जिससे आप इसको फर्ज करें अच्छे सॉफ्ट है ये क्लाइंट में दे देता हूँ। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये देखें, ये दे दिया, अब आपने आईपी एड्रेस दे दिया, अब आप यहाँ पर इसका यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। ऐड यूज़र अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इस क्लाउड का, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के यूज़र नेम नहीं है, ये क्लाउड का है, ये हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। यूज़र नेम अच्छे TS और पासवर्ड हमने, अच्छा जी पासवर्ड एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी आपका जो है ना, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, आप देखें आपका जो सिस्टम है यहाँ पे सेव है। अब इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका ना एड्रेस से आईपी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आईपी एड्रेस ठीक होगा ना, तो ये आपके सिस्टम से, आप क्लाउड सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप, अब मैं अपने मोबाइल पर वही सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दूँगा अपना, ठीक है जी। ये मैं यूज़र नेम, ये कीबोर्ड ओपन कर लिया, यहाँ पर एडमिन एंटर किया और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड बंद दे दिया, एंटर प्रेस किया, जिस तरह आप वैसे यूज़ करते हैं ना उस पर एंटर प्रेस कर दिया, और ये जी आपका कनेक्ट हो चुका है। ओके कर दिया आपने। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना माउस यूज़, ये टच यूज़ करें, तो अब ये माउस पे इस पर क्लिक कर दिया मैंने, अब मैं टच यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे माउस की जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं ये सारा जो सिस्टम है, शेयर स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ मैं, शेयर स्क्रीन पर मैंने ये मोबाइल पर चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल ही है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, ये मेरा मोबाइल ही है और इस पर मैं चला रहा हूँ। देखें जो मैं सिस्टम पे कर रहा था, मैं वो चीज़ मोबाइल पे कर पा रहा हूँ, ये मैंने इस पर देख लें कुछ भी, मैं ये देख सारा मेरे पास, ये देखें मैंने डबल क्लिक किया, मैंने व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इस पर भी ये देखें वही रिपोर्ट शो कर रहा है, देख रहे हैं आप जो मैंने आपको सिस्टम पर चेक करवाई थी, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं, ठीक है, वही जो आप सिस्टम पे कर रहे होते हैं ना, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप टैब यूज़ कर रहे हैं, आप देखें आपका ऑर्डर बुकर वगैरह जो भी है आपके जाते हैं, वो ये मोबाइल में उनको दे, उनके पास होगा, वो अपने मोबाइल से कर लेंगे कनेक्ट, और आप यहाँ पर अपना जो है ना सिस्टम से ऑर्डर बना लेंगे, ठीक है। वो देखें तो ये चीज़ है, मोबाइल पर आपके सामने चल रहा है, जिस तरह आपका वहाँ पर चल रहा था उसी तरह यहाँ पर मोबाइल पर आपके पास ये ऑन हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आपने इस तरह सामने चलाना, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह पोर्ट्रेट अगर आप इस तरह करना चाहें, इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेल विंडो ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी सेल विंडो है, देख रहे हैं, ठीक है। और मैं कस्टमर्स किसके लिए ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये कस्टमर शो हो रहे हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर किसी भी कस्टमर को, मैं ये शफीक कस्टमर है, ठीक है, इसका मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कीबोर्ड पर क्लिक किया, स्पेस या शफीक अहमद कर देता हूँ, शफीक अहमद, ओके हो गया, कीबोर्ड क्लोज़ किया, अपडेट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरा अपडेट हो गया। अच्छा मैं चेक करता हूँ, सॉरी मैं चेक तो नहीं भी करा सकता आपको, मैं ये यहाँ से सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, तभी मैं आपको सिस्टम पे चेक करवा, मैं चेक करवाता वहाँ पे भी ये जो है ना कस्टमर का नाम अपडेट हो गया। अगर मैं चेक करवाए तो आपको इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, देखिए मोबाइल पर चल रहा है आपका रिकॉर्डिंग, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और आपको मैं ना जो फाइनल वीडियो है लास्ट, वो आपको लैपटॉप पर चेक करवा देता हूँ। तो ये है कम्प्लीट इसका सिनेरियो है, इसको जो है ना यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं। देखिएगा जी, हमने मोबाइल पर वो कस्टमर्स को अपडेट किया था, कस्टमर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास शफीक अहमद हो चुका है, ठीक है।
आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क कर रहा है। आप देखें मेरे सामने क्लिक्स पे काम हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल लैग वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसी मैं यहाँ पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। ठीक है, तो किसी किस्म का इसमें आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आने वाला। अब वो सिक्योर सिस्टम अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस पर। बहुत शुक्रिया जी।